Assalamualaikum, दोस्तों वेलकम ये इस वक्त मैं जा रहा हूँ पे मेडोज़ काफ़ी ख़ूबसूरत जगह है तो मैं आप लोगों को लोकेशन बता देता हूँ पे मेडोज़ की अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो उसके लिए आप रूट लेंगे शोग्रान का से सीरी पाए शोगरान से अगर आप आए हैं आ, आते हैं तो पहले पहले सीरी आता है रास्ता काफ़ी दुशवार गुजार है काफ़ी हाइट के ऊपर है थर्टीन थाउजेंड तकरीबन तकरीबन हाइट है इसकी तो उसके बाद आता है सीरी सीरी के बाद आता है पाए पाए से फिर ये आप रूट देख रहे हैं ये रूट आता है पैदल आना पड़ता है तकरीबन पंद्रह से बीस मिनट की ट्रैवलिंग है ये आप नज़ारे चेक कर रहे हैं काफ़ी हाइट के ऊपर है ये जगह ये आप देख सकते हैं सामने आपको माउंटेन नज़र आ रहे हैं ये मकरा पीक है तो दोस्तों ये जो आपको माउंटेन्स नजर आ रहे हैं ये तीन जो पहाड़ हैं ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ ये मूसा का मसल् है यहाँ के लोग कहते हैं कि हज़रत मूसा ने आके असर की नमाज़ पढ़ी थी और ये सामने जो माउंटेंस नज़र आ रहे हैं ये कोहिस्तान के पहाड़ हैं तो अगर आप आना चाहते हैं पैमेडोस तो किवाई से आप शोगरान हैं। शुगरान भी बड़ी बेहतरीन जगह है वहाँ पर आप स्टे करें शोगरान से फिर सीरी पर जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ सीरी भी काफ़ी ख़ूबसूरत जगह है ये जी माशाल्लाह आपके सामने नज़र आ रहा है मेडोस और सामने है मकड़ा पीक ये बर्फ़ से ढकी हुई ऑक्सीजन की थोड़ी कमी है यहाँ पर ये देखें ये दोस्तों यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है क्योंकि आज सूरज निकला हुआ है तो इस वक्त यहाँ पर थर्टीन सेल्सियस है ठंडी ठंडी हवा चल रही है ये जी माशाल्लाह आप देख सकते हैं मेडोस काफ़ी ख़ूबसूरत है दोस्तों ये सामने जो रास्ता नज़र आ रहा है ये जाता है मकड़ा पीक की तरफ अगर आप पैदल जाते हैं तो आठ घंटे या नौ घंटे लग जाते हैं तकरीबन। तो इसके अलावा कोई भी सीन नहीं है जाने का ये आप नज़ारा चेक करें काफ़ी ख़ूबसूरत जगह है अगर आप नारान हैं कागान की तरफ़ हैं तो इस जगह का विज़िट आप ज़रूर करें ये जो साइट है मैं आपको दिखाता हूँ हम लोगों ने कैंप भी लिया हुआ है ये सामने कैंप पड़ा है हम यहाँ पर स्टे भी करेंगे कैंप लगाएंगे जैसे ही टाइम गुजरता जाएगा तो ये टेम्परेचर भी गिरता जाएगा इस वक्त तो काफ़ी बेहतरीन मौसम बना हुआ है ये मैं आपको दिखाता हूं ये है जी मेडोज नीचे देखते हैं नीचे क्या है लोग आते हैं बहुत से लोग हैं जिनको नहीं पता क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा था तो स्मार्ट लॉकडाउन किया है लोगों ने कुछ ही दिनों के लिए ओपन किया था लॉकडाउन तो आप लोग आए मौसम को एंजॉय करें जैसे ही आ, अगस्त और सितंबर शुरू होगा तो यहाँ पर बर्फ़बारी का सिलसिला तकरीबन शुरू हो जाता है तो रास्ते बंद हो जाते हैं अगर बारिश भी है तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है यहाँ पर आने के लिए तो अगर आप आना चाहते हैं यहाँ पर सीरी पाए तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा बहुत ही बेहतरीन जगह है आप ज़रूर आके इस जगह का विज़िट करें यहाँ पर खूबसूरत फूल भी हैं जो ज़्यादातर यूरोप में होते हैं क्योंकि वो भी ठंडा है तो ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कुछ प्लांट्स हैं ये आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर देखें यहाँ पर भी प्लांट हैं काफी छोटे छोटे और खूबसूरत येलो कलर के हैं सामने जो जगह बनी हुई है यहाँ पर हॉर्स खड़े हैं ये जी मकड़ा पीक बहुत ही अलग जगह तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें कमेंट्स करें और हमें सजेशन दें यहाँ पर मवेशी भी मौजूद हैं जो लोग यहाँ पर रहते हैं उन लोगों का ये गुज़र बसर है तो कुछ लोग आ रहे हैं ये हौस के ऊपर आ रहे हैं ऑक्सीजन की कमी है थोड़ी ये सामने कुछ माउंटेन्स हैं ये भी बर्फ से ढके हुए हैं तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी ये हमें जरूर बताया करें ये एक रूट है जो जाता है आगे की तरफ ये मैं आपको ले जाता हूं टॉप पे जो मकड़ा पीक की तरफ रूट जाता है वो मैं आपको दिखाता हूँ मेरे साथ रहें इस वीडियो में ये देखें ये एक आदमी आ रहा है ये यहाँ का रिहाइशी लगता है जो इंटरटेन करवाते हैं लोगों को हॉर्स के ऊपर बिठाकर कर हम लोग यहाँ पर स्टे भी करेंगे ये मैं जा रहा हूँ टॉप पे और मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर जो है पीक है मकड़ा पीक वो भी काफी खूबसूरत जगह है तो मेरे साथ रहें और वीडियो को पूरा देखें ये जी हाइट के ऊपर है थोड़ी चलने में थोड़ी दुश्वारी हो रही है ये जी देखें आप ये टॉप का व्यू है इसका चलते हैं टॉप पे और आपको दिखाता तो हूं मकड़ा पीक ये देखें जी चिरागा और खूबसूरत फूल हैं टॉप इसकी लोग कुछ आए है हुए हैं जो इंटरटेन कर रहे हैं हाँ जी दोस्तों ये रूट है जो जाता है मकड़ा पीक की तरफ ये नीचे एक पाउंड टाइप बना हुआ है काफ़ी ख़ूबसूरत जगह है इसकी जो हाइट है तकरीबन थर्टीन थाउजेंड फीट है ऑलमोस्ट बाबूसर टॉप के बराबर बराबर ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स हैं हॉर्स हैं पॉज मौजूद हैं ये सामने जी मकड़ा पीक नीचे चलते हैं और देखते हैं ये जी ये जी पाए मै काफी खूबसूरत जगह होप्सो so, अपने वीडियो को इन्जॉय किया होगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो